कृष्णा राधे राधे। तो आज हम लड्डू गोपाल के लिए एक ड्रेस बनाएंगे, जिसके लिए इस तरीके से पेपर को गोल कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसको दो बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये भी में एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार और करने के बाद और इसको इस तरीके से गोलाई से कट करते जाएंगे। और ये देखिए इसकी ये गोलाई कट चुकी है। इसके बाद अब हम इसकी कमर की कटिंग करेंगे। फिर इसके बाद ये पेपर पर कटिंग हुई है, इसके लिए अब हम इसको बकरम पर रखकर और इसके निशान लगाएंगे। इस तरीके से बकरम पर इसका जिस तरीके से हमने कटिंग करी है, सेम उसी तरीके से उसी डिज़ाइन पर पेन से निशान लगाते जाएंगे। निशान लगाने के बाद इसको हम तो इसकी डिज़ाइन के अनुसार हमने इस पर पूरा बकरम पर निशान लगा लिया है। और अब हम इसको निशान पर कट करते जाएंगे। जैसा जैसा हमारा निशान रखा है बकरम का भी, हम उसी तरह ही से कटिंग करते जाएंगे बकरम को। तो ये हमारी बकरम की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको कपड़े पर प्रेस से चिपका देंगे। तो ये बकरम प्रेस से चिपक चुका है। इसके बाद हम इसकी भी सेम डिज़ाइन के अनुसार कपड़े की कटिंग करते जाएंगे। इस तरीके से कट लगाते जाएंगे, गोलाई से कटिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ से कट लगाएंगे। और फिर इस तरीके से इसको एक एक गोलाई को काटते हुए इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हम ये लेस लेंगे और इसकी गोलाई पर जिस तरह कटिंग है उसी तरह लेस को रखकर इसकी सिलाई करते जाएंगे। तो ये हमारी एक बार की लेस लग चुकी है, जो हमारी डिज़ाइन थी उस पर। इसके बाद हम दूसरी बार लेस को इतनी दूर रखेंगे, 3 इंच की दूरी पर, और इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी सेकंड बार भी लेस लग चुकी है। अब इसके बाद हम गोटा लेस लेंगे और इसकी एक साइड इस तरीके से रखकर फोल्ड करेंगे अंदर से, और एक साइड इस साइड रखकर दोनों साइड दोनों की सिलाई कर देंगे। तो ये गोटा लेस भी लग चुकी है। तो ये हमारा घेर तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम इसकी पट्टी के लिए 12 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी एक पट्टी, दूसरी पट्टी भी 12 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और उस पर इस तरीके से बकरम चिपका लेंगे। और बकरम चिपकाने के बाद ये गोटा लेस लेंगे और इसकी एक साइड रखकर इस तरीके से सिलाई करेंगे और सेम दूसरी साइड भी रखकर ऐसे सिलाई कर देंगे। तो ये दोनों पट्टियों पर हम इस तरीके से गोटा लेस रखकर सिलाई करेंगे। तो ये गोटा पट्टी लग चुकी है। अब इसके बाद इसको ऐसा रखकर बराबर और यहाँ से सिलाई करेंगे। तो ये सिलाई हो गई है। अब इसके बाद अब हम इसको घेर पर रखेंगे और घेर पर रखकर इस तरीके से इसकी सिलाई करते जाएंगे।
तो ये हमारी लड्डू गोपाल जी की 12 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।